ग्वालियर पूर्व का रिजल्ट बेहद चौंकाने वाला रिजल्ट, बड़ा झटका सिंधिया को। माया सिंह फेल हो गई है जनता के रिजल्ट में और कांग्रेस प्रत्याशी सतीश शिकरवार जो है वो जनता के रिपोर्ट कार्ड में पास हो चुके हैं। माया सिंह मंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, सिंधिया के पिता की मामी हैं। सिंधिया इनके टिकट के लिए काफी अड़े हुए थे, बहुत लड़कर माया सिंह का टिकट उन्होंने करवाया होगा, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया और वो फेल हो गए। माया सिंह की ये हार सिर्फ हार नहीं है बल्कि सिंधिया के लिए करारा झटका है और इस हार के ऊपर अब आने वाले दिनों में कई सवाल उठने वाले हैं। सतीश शिकरवार ने पूरी तरह से माया सिंह को हरा करके जीत अपने नाम कर ली और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि सतीश शिकरवार जो है वो जनता के बीच में लगातार अपनी पैठ बनाए हुए थे, जनता से सीधा संवाद करते थे, जिसका नतीजा उनको हासिल हुआ। जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में सतीश शिकरवार को पास कर दिया है। 68,841 वोटों से सतीश शिकरवार पास हो चुके हैं जनता के रिपोर्ट कार्ड में और माया सिंह को हार शिकस्त देखनी पड़ रही है। बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका। अब इस झटके से ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद जल्दी उभर जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, पर यह नतीजा उनको जरूर परेशान करने वाला है। जी हाँ, ये नतीजा चौंकाने वाला है। माया सिंह जो है हार गई है, वहीं पे माया सिंह को हराकर सतीश शिकरवार एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं जनता के रिपोर्ट कार्ड में। सतीश शिकरवार पास हो गए हैं और बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह फेल हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश शिकरवार पास हुए हैं। जनता का रिपोर्ट कार्ड आपके साथ हम लगातार साझा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।